हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने विंटर प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने कल से धूप में डाल रखा था और अब मैं इसमें बाकी के मीडिया मिलाऊंगी। उससे पहले थोड़ी सी व्यूज दे रही हूँ। पर्सलैंड में अभी भी थोड़ी थोड़ी सी ब्लूमिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये है गार्डन सॉइल और इसमें थोड़ी सी DAP के दाने डाल दी। साथ में ये नीम खली है। अगर आपके पास नीम खली ना हो तो आप नीम के सूखे पत्तों को भी डाल सकते हो। और ये है हमारा कोकोपीट, जिसे मैंने धो के सुखा लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसमें मैं ये चारकोल भी मिला दे रही हूँ। लकड़ियों के कोयले हैं। अगर आपके पास चारकोल ना हो तो आप वुड ऐश भी मिला सकते हैं। और कोकोपीट की जगह आप राई हस्क भी मिला सकते हैं। और मेरे पास नहीं है तो मैं कोकोपीट ही यूज करती हूँ, या फिर लकड़ियों के बुरादा को डिकम्पोज करके उसे भी मिला सकते हैं। साथ में वार्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद, उसे मैं रिपोर्टिंग के टाइम में डालूंगी। अभी मेरे पास नहीं है वार्मिंग कंपोस्ट। तो चलिए ठीक से मिक्स कर लेते हैं। और साथ में फंगिसाइड पाउडर भी मिलाना है अभी मुझे, वो और बोन भी लाती हूँ दोनों को। तो हमारे यहाँ यही बोन भी मिला है तो इसे मिलाते हैं। और ये धनुका का फंगिसाइड है तो इसे भी डाल देती हूँ, एक दो चम्मच, जिससे कि पौधों में फंगस नहीं लगता। तो मिक्स कर देते हैं। और बाकी के यहाँ है मेरे प्लांट सब। अभी सुबह का व्यूज़ है तो अभी परचुलका में ठीक से ब्लूमिंग नहीं हुई है। ओके, बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, बाय।